नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं प्रशांत पांडे और सबसे पहले चुनाव से जुड़ी अहम खबरें आपको बताएं। उसमें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान शिव के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर के बाहर मौजूद लोगों ने पीएम को फूल देकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर का पहले दौरा किया, इसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा। चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, पिछले 2 सालों में ये चौथा मौका है जब पीएम मोदी केदारनाथ आए हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद ध्यान गुफा भी जाएंगे। आज केदारनाथ धाम में रुकने के बाद पीएम 19 मई यानी कल बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे। 85 और 86 की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी गरुड़ चट्टी में साधना करते थे और उस समय गरुड़ चट्टी से आने वाले जितने भी महात्मा गण थे, क्योंकि मार्ग में मेरा ही मकान पड़ता था तो वहां पर हर महात्मा लोग आते थे। उसके बाद वो जब आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसके बाद भी वो उन्होंने यहां पर आए और उनके साथ एक अग्रवाल जी थे, वो मेरे पास बैठे। उन्होंने मुझे कहा यार मेरी पूजा करवा दो। मैं मंदिर में उनको ले गया और मैंने उनकी पूजा कर दी। आज लग रहा है कि वास्तविक में केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर शुद्ध मन चित्त से आप साधना करोगे तो निसंदेह आपको देश का सर्वोच्च पद मिलेगा। इधर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीएम मोदी के केदारनाथ आने पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने केदारनाथ में आए हैं। पीएम मोदी ने देश से झूठ कहा और लोगों को परेशान किया, इसलिए माफी मांगने केदारनाथ आए हैं। तो हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते रहे हैं जनता से और उसी का प्रायश्चित करने और शिव से माफी मांगने केदारनाथ धाम पहुंचे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनके इस यात्रा पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और पूर्व जो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के, उन्होंने निशाना साधा है। मैं तो कम से कम उनको जो है वही समझूंगा जो उनको समझा जाना चाहिए और मैं ठीक समझ रहा हूँ और वो भी ठीक समझ रहे हैं, इसीलिए प्रायश्चित के अंतिम अवसर का वो उपयोग कर रहे हैं। केदारनाथ जी को जो माफ़ करने लायक है वो माफ़ कर दीजिएगा, जो माफ़ करने लायक नहीं है उसके लिए इनके साथ इनकी पार्टी को भी कह दीजिएगा कभी अब भविष्य में नहीं आओगे,